Predict all the alkenes that would be formed by dehydrohalogenation of following halides with sodium ethoxide in ethanol and identify the major alkene. ये ना elimination reaction है, पूछ क्या रहा है वो देखते हैं. आपको कुछ ये दिया है, हैलाइड्स दिए हैं, ये कुछ हैलाइड्स दिए हैं आपको, ठीक है. उस हैलाइड से आपको क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है. और जो रीजेंट यूज करना है वो ये है, मतलब जैसे वन ब्रोमो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये आपको गिवन है. इसको आपको किसके साथ ट्रीट करना है, सोडियम इथॉक्साइड C2H5O-, ये इथॉक्साइड आयन होता है. सोडियम इथॉक्साइड एन ए प्लस लगा दो, ये सोडियम इथॉक्साइड हो गया. इन इथेनॉल C2H5OH, ये रीजेंट है. जब हम एल्काइल हैलाइड को सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल के साथ ट्रीट करते हैं तो वो एल्कीन बन जाता है एलिमिनेशन होके. तो हमको उसने अलग अलग हैलाइड दिए हैं, रीजेंट सेम है सबका, कौन सा एल्कीन बनेगा ये पूछा है. इस प्रोसेस को समझते हैं. तो जैसे एक ये है एल्कीन, एल्कीन नहीं सॉरी, एक एल्काइल हैलाइड ये है, एक एल्काइल हैलाइड ये है, एक ये है. हमको तीन एल्काइल हैलाइड दिए गए हैं, इन तीनों की एलिमिनेशन करनी है और एल्कीन बनाना है. तो पहले तो एलिमिनेशन क्या होती है समझेंगे हम, और वो क्यों हो रही है देखते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. देखो ये है फर्स्ट एग्जांपल, हमको दिया वन ब्रोमो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये फर्स्ट एग्जांपल दी है हमको. अब इसकी एलिमिनेशन करनी है. एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है, देखो एलिमिनेशन रिएक्शन ना तीन तरह की होती है, एक होती है E1, एक होती है E2, एक होती है E1CB. जो एल्काइल हैलाइड्स हैं वो मेनली E2 शो करते हैं, एल्काइल हैलाइड्स. देखते हैं क्या क्या है. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो रिएक्शन हो रही है दैट इज E2, मतलब एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर. मैं वो समझाता हूं क्या है. देखो सी एक्स, एक्स मतलब कोई हैलोजन है, सी एच ये हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन. जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन. इस तरह का जो कंपाउंड है अगर आप उसको किसी स्ट्रांग बेस के साथ ट्रीट करो, किसी स्ट्रांग बेस के साथ ट्रीट करो, ये एक स्ट्रांग बेस होता है. हमने ये लिया है ना सोडियम इथॉक्साइड लिया है ना, इसमें इथॉक्साइड आयन है C2H5O-, दिस इज अ स्ट्रांग बेस. बेस का काम होता है एच प्लस को चूस लेना. बेस का काम क्या होता है, एच प्लस को पकड़ लेना, बेस को एच प्लस चाहिए. तो वो क्या करेगा, ये बेस इसके पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, ये यहां अटैक मारेगा एच प्लस के पास. मैं एक बार बीटा इरेज कर देता हूं. एच अपने इलेक्ट्रॉन कहां दे देगा, इसको दे देगा, और ये यहां से बाहर चला जाएगा. क्या बन गया देखो, सी ये हैलोजन तो गया खत्म बॉन्ड, ये बॉन्ड तो ऐसे का ऐसा एक और बन गया, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, एक और इलेक्ट्रॉन आगे. सी ऐसे का ऐसा, ये ऐसा, ये भी ऐसा, एच गया यहां से, और क्या बन जाएगा C2H5OH, एच यहां आ जाएगा. समझ में ही बात है. इसमें क्या क्या एलिमिनेट हो गया, एक्स एलिमिनेट हो गया, एच एलिमिनेट हो गया. इसको बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजनेशन. हाइड्रोजन भी चला गया, हैलोजन भी चला गया, सो डीहाइड्रो हैलोजनेशन हो गई. समझ में ही बात. तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये एक ही स्टेप में हुई है, यहां से यहां सिंगल स्टेप, ठीक है. तो इसमें जो रिएक्टेंट है वो कितने हैं, एक तो ये सबस्ट्रेट है एल्काइल हैलाइड है, दूसरा ये बेस है. तो इसका जो रेट होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर एक्स. क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं इसलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर बोला जाता है.
क्योंकि ये एलिमिनेशन है इसलिए इसको ई बोला गया। सो दिस इज ई टू रिएक्शन, समझ में आई बात। ई टू रिएक्शन डिहाइड्रोहैलोजनेशन से एल्कीन बनता है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन आती है मेजर और माइनर प्रोडक्ट की, तो देखते हैं इस एग्जांपल को लेके समझते हैं। पहली बात तो हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा, बीटा, बीटा हाइड्रोजन निकलेगा। तो आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें आपको बीटा हाइड्रोजन कौन कौन से हैं वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। यहां देखते हैं बीटा हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले अल्फा आइडेंटिफाई करो। ये अल्फा है, यहां पे हाइड्रोजन लगा है वो क्या है, अल्फा है। तो बीटा हाइड्रोजन हमारे पास कहाँ कहाँ है, दो तो ये रहे, दो ये रहे, तीन यहाँ पे है। समझ में आ गई बात। अब अगर एलिमिनेशन करेंगे चाहे आप इसकी कर लो चाहे आप इसकी कर लो, एक ही बात है, इक्विवेलेंट है ये, तो इसलिए हम एक ही केस रखते हैं, इसको हटा देते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको एलिमिनेट कर लीजिए इस एच को, या आप इसको मैं CH2H लिख लेता हूँ, ओके, या आप इस एच को एलिमिनेट कर लीजिए। दो चीजें आप कर सकते हो, मैं दोनों करके दिखाता हूँ। देखो अगर तो सोडियम इथोक्साइड है C2H5O-, Na+ तो ऐसे ही है, इथोक्साइड आयन बेस है। अगर तो सोडियम इथोक्साइड ने यहाँ अटैक मारा इस हाइड्रोजन पे, दिस इज बीटा हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देगा ऐसे, और ये बाहर डबल बॉन्ड इस पोजिशन पे बनेगा, ये बनेगा। ये समझ में आ रही है बात। केस टू देखते हैं, ये था हमारा CH2H। अब अगर इथोक्साइड C2H5O-, अगर वो यहां अटैक मारता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, ये ब्रोमीन बाहर, तो ये यहां डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड बन गया, ये बन गया, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं और ये दोनों ही बनेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, इन दोनों में से ज्यादा कौन बनेगा, मेजर कौन होगा। उसका आंसर है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर। कौन मेजर होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है क्या, सिंपलेस्ट एल्कीन कौन सी है, ये सिंपलेस्ट एल्कीन है। इसका एक एच हटा के आप एल्काइल ग्रुप लगा दो, उदाहरण के लिए मिथाइल, कुछ भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी ग्रुप हो सकता है, वो एक एच हटा के एक एल्काइल ग्रुप लगा दो। मैं आर लिख देता हूँ, आर जनरल, एच एच एच, ये है एल्कीन, ये भी एल्कीन ही है, ये वाला भी एल्कीन ही है, पर इसको हम बोलेंगे कि इसकी हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी, एक एच हटा के एक आर लगा दिया। अच्छा इसको और करो सब्स्टिट्यूट, मैं इस बार ना एग्जाम्पल लिखता हूँ, CH3 CH3 H H, मैंने और ज्यादा सब्स्टिट्यूट कर दिया। जितना ज्यादा आप सब्स्टिट्यूट करते जाओगे ना एल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल होता है। इसका रीजन होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, मैं आपको करके दिखाता हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो सी डबल बॉन्ड सी सी एच 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 सी, ओके ये तो CH3 है। चलो मैं एक एक जगह ही करके दिखाऊंगा, वो तो जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे भी होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, सी यहाँ लोन पेयर आ गया नेगेटिव, एच एच सिंगल बॉन्ड सी CH3 डबल बॉन्ड सी एच एच, एक एच प्लस ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे ही होता ना हाइपर कॉन्जुगेशन। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज बढ़ जाएगा, उतना ही स्टेबिलिटी आएगा मॉलिक्यूल में। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा कब होगा, जब यहाँ ज्यादा अल्काइल ग्रुप इस डबल बॉन्ड के साथ ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, इसीलिए बोला जाता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, क्योंकि वहां हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होती है। अब हम अपने प्रोडक्ट में देखते हैं कौन सा एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। देखो इसको देखो, ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ आपको कैलकुलेट करना है कितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। एक अल्काइल ग्रुप ये रहा, एक इधर, ये भी अल्काइल ही है, एक इधर ये भी अल्काइल ही है, यहाँ एक एच लगा, तो इसके साथ तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, है कि नहीं, नहीं समझ में आई बात, ये बात समझ नहीं आई।
ये अल्काइल ग्रुप नहीं है मिथाइल सी एस थ्री, तो ये भी सी एस टू ही है, ये सी एस टू नहीं है, ये क्या है, ये सी एस टू ही है, ये अल्काइल ग्रुप ही है। इससे तुमको क्या लेना कि ये जुड़ा हुआ आपस में नहीं जुड़ा, ये तो अल्काइल है ना, नहीं समझ आई बात। यहाँ तीन अल्काइल लगे, यहाँ देखो यहाँ दो तो एच ही हो गए, मतलब एच एच है, तो ये तो कोई अल्काइल नहीं हुआ, एक अल्काइल इधर एक अल्काइल इधर, तो यहाँ दो अल्काइल ग्रुप लगे। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, इसको बोलते हैं सैट जेफ प्रोडक्ट, सैट जेफ प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को सैट जेफ प्रोडक्ट बोलते हैं, समझ में आई बात है। ऑल्टरनेटिवली मैं एक और बात बताता हूँ, इससे आपका क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हो गया, एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लो, अल्फा हाइड्रोजन ठीक है, मतलब इसका इसके बगल में जो हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड के, तीन, मतलब जो हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, कौन से हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं जो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे हो, और वो कार्बन sp3 होना चाहिए, तब करेगा ठीक है ना। यहाँ तीन है, यहाँ देखो दो है दिखाए नहीं हुए, कार्बन ने यहाँ दो बॉन्ड बनाया है ना, कार्बन ने चार बनाने होते हैं, दो तो दिखा दिए, दो नहीं दिखाए, जो नहीं दिखाए वो हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ दो हाइड्रोजन मौजूद है, समझ में आ रही बात है। यहाँ कितने मौजूद हैं, दो, और यहाँ तीन, तो सात हाइड्रोजन है जो हाइपर कंजुगेशन करेंगे, सेवन हाइड्रोजन, समझ में आई बात। यहाँ कितने करेंगे, ये वाले तो करने वाले नहीं है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे, यहाँ पे यहाँ कितने हैं, दो, यहाँ कितने हैं, दो, तो चार है, तो यहाँ चार हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन करेंगे, यहाँ सात करेंगे, ये मेजर है, ये बात क्लियर हो गई। देखो क्या लिखना कैसे है इसको, अकॉर्डिंग टू सैट जेफ रूल, ये सैट जेफ रूल है, इन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, जब आप एल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रो और हेलो बाहर निकालते हो उससे, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मतलब एल्कीन हैविंग मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन, ये क्या होते हैं, मेजर प्रोडक्ट होते हैं, समझ में आ गई बात है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब आपके लिए आसान हो जाएगा, मैंने थ्योरी तो आपको कराई थी सारी। टू क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन दिया हुआ है, आपको देखना है जब आप इसकी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करोगे तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करोगे, अल्फा, ये अल्फा कार्बन है, अब बीटा के लिए कौन कौन है, ये है, ये है और ये है, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर आइडेंटिकल, मतलब आप चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो एक ही बात है ठीक है ना। क्या, इसकी नंबरिंग करो, वन टू थ्री फोर, सो टू क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन ठीक है। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, नॉमेनक्लेचर की बात हो गई है, तो ये अल्फा है, बीटा ये है, अल्फा के बगल वाला बीटा होता है, ये तीन बीटे हैं, तीनों में से दिस वन एंड दिस वन आर इक्विवेलेंट, आपको नहीं पता चल रहा इक्विवेलेंट, आप बना के देख लिया करो, मान लो आपने यहां से भी निकाल दिया यहां से भी निकाल दिया, प्रोडक्ट बना लो, आप देख लोगे कि सेम ही आएगा, कंफ्यूजन है ना, तो इस तरह से दूर करते हैं कंफ्यूजन, बना के देख ही लो सारे, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों आइडेंटिकल हैं, जब आप यहां से निकालोगे हाइड्रोजन या यहां से निकालोगे प्रोडक्ट सेम आएगा, ओके, ये आप एक्सरसाइज करके देख सकते हो खुद से, तो इसलिए मैं सिर्फ दो केस पे फोकस करूंगा, इस केस पे और इस केस पे, ओके। अगर आप यहां से निकालते हो, इसको मैं लिखता हूं सी एस टू एच, यहां से निकाला आपने सी टू एच फाइव ओ नेगेटिव, ये एच ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां गए, ये सी एल बाहर चला गया, डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे बनेगा, यहां बना हुआ देखो, ये सी एस ना यहां लिख लिया मैंने, वो तो कोई बात नहीं, समझ में आई बात, सी एस टू सी एस टू, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, इस पोजीशन में डबल बॉन्ड हो गया, बाकी ये मॉलिक्यूल तो ऐसे का ऐसे ड्रॉ कर दिया ना, ये सी एस थ्री एक इधर से ड्रॉ कर दिया, बन गया ये बन गया ठीक है। नेक्स्ट केस टू, देखो ये है, अब
यहाँ एच, मैं एक ही एच दिखा रहा हूँ, हालांकि यहाँ दो एच अवेलेबल है। तो इथोक्साइड आयन आएगा, इसको ले लेगा, ये यहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो देखो क्या हो गया, यही बनेगा ना, समझ में आ रही है, देखो बात क्लियर है। अब आपको देखना है इन दोनों में से मेजर कौन है, कौन मेजर होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये एल्कीन है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक एल्काइल ग्रुप, दो एल्काइल ग्रुप, तीन एल्काइल ग्रुप, तीन है। इधर देखो ये एल्कीन है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इधर तो कुछ है ही नहीं, एक दो, दो एल्काइल ग्रुप है, दो एल्काइल ग्रुप, मेजर कौन बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मेजर प्रोडक्ट, सेफ्ट जा प्रोडक्ट, ये माइनर बनेगा। ओके थर्ड, थर्ड हमको दिया है थ्री ब्रोमो टू टू थ्री ट्राई मिथाइल पेंटेन, तो वन टू थ्री फोर फाइव, पहले तो नाम ही देख लो, थ्री ब्रोमो टू टू थ्री ट्राई मिथाइल पेंटेन, नाम क्लियर हो गया। अब देखते हैं एलिमिनेशन प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे, सबसे पहले क्या करना होता है, क्या आइडेंटिफाई करोगे, अल्फा, अल्फा कौन सा है, ये वाला जिसके साथ हैलोजन लगा, इसको तो उड़ा ही देना है। अब क्या आइडेंटिफाई करोगे, बीटा, ये बीटा कार्बन तो है लेकिन इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तीन एल्काइल ग्रुप लगे पड़े हैं, तो ये तो एलिमिनेशन होने वाला नहीं है, ये तो क्रॉस हो गया, बीटा तो है ये बट एलिमिनेशन नहीं करेगा क्योंकि वहां एच ही नहीं है, समझ में आई बात है। अब देखते हैं कौन कौन सा है, ये है बीटा एक, एक बीटा ये है, अब ये दोनों करेंगे और दो प्रोडक्ट बनेंगे किसके साथ में, मिथाइल, हाँ तो ये बोलो तो बीटा, ये भी बीटा ऊपर, अरे यहाँ हाइड्रोजन है ना, आपको बीटा हाइड्रोजन देखना है, तुम क्या बोल रहे हो कौन सा ले लूँ, ये वाला, यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है तुमको, यहाँ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं, यहाँ निकाल लूँ किसको मैं, मिथाइल को थोड़ी निकाल दूंगा, हाइड्रोजन निकलता है यहाँ पे, देखो यहाँ तो हाइड्रोजन है ना, नहीं समझ में आई बात है, इसमें यहाँ पे है ना एच एच, बॉन्ड लाइन नोटेशन नहीं पता तुम लोग को इसका मतलब, यहाँ पे ये है ना कार्बन, इसके साथ दो एच है, CH2, अरे भाई ये कार्बन है, दो बॉन्ड बनाए हैं, दो नहीं बनाए ना, जो नहीं बनाए वो हाइड्रोजन होते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं समझ नहीं पा रहा, दो हाइड्रोजन है, चलो अगला देखो। तो ये अल्फा हाँ अब क्या करेंगे, पहले ये अल्फा है, फिर से वही कहानी दोबारा कर रहा हूँ, ये बीटा है, ये बीटा है, दो बीटा मैंने ड्रॉ किए, इन्हीं दो बीटा पे एलिमिनेशन होगी, पहले मैं ऊपर वाले पे कर रहा हूँ, यहाँ एक एच ड्रॉ कर रहा हूँ, हालांकि यहाँ दो है, मैंने एक ही ड्रॉ किया, ये आएगा इथोक्साइड, ये इस एच को ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये बाहर, इस पोजीशन पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा, देख लो आराम से एक बार, बन गया ये, क्लियर है सबको। अब दूसरे पोजीशन पे करते हैं, ये है सी एच टू एच और सी, ये आ गया, इसको लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां और ये बाहर, इस पोजीशन पे आ जाएगा, ये बन गया, देखो क्लियर हो रहा है, दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब आइडेंटिफाई क्या करना है, इनमें से मेजर कौन सा है, पहले ये एल्कीन है, दोनों कितने अल्काइल ग्रुप, एक इधर एक इधर, हालांकि ये काउंट होने वाला नहीं है खास क्योंकि यहाँ है ही नहीं है, ये हाइपर कंजुगेशन तो करने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ तो एच ही नहीं है ना, इसकी हाइपर कंजुगेशन कराओगे तो ठीक है, दो तो करेंगे ना, लेकिन दो तो करेंगे हाइपर कंजुगेशन, यहाँ देखो यहाँ तो इधर तो है ही नहीं, ये डबल बॉन्ड है,
ये तो है ही नहीं कुछ इधर, ये एक है, ये वाला तो करेगा नहीं, हैच ही नहीं है यहाँ पे, एक ही है इफेक्टिवली। तो कौन मेजर है? ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये मेजर प्रोडक्ट है, सैड सैड प्रोडक्ट। क्लियर होगी बात है? ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स विद एक्वस क्यूएच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स, बट इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक क्यूएच एल्कीन्स आर मेजर प्रोडक्ट, एक्सप्लेन। पहले तो ये बात याद कर लो, एल्काइल हैलाइड है ना, देखो अभी तक हमने दो रिएक्शन कर लिया एल्काइल हैलाइड के, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसमें हमने SN1 SN2 करा था, अभी हमने एलिमिनेशन कर लिया जिसमें E2 करा है हमने, है ना। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो वही है, जैसे ये देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ, ये एल्काइल हैलाइड है, जब हमने इसको एक्वस क्यूएच के साथ ट्रीट करना है, एक्वस क्यूएच मतलब क्यूएच प्लस वाटर है, ओके तो आपने क्या करनी है, सब्स्टिट्यूशन करनी है, सब्स्टिट्यूशन करनी है आपने, ये Cl बाहर जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, ये हमने करी थी ना सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगी, है ना, Cl बाहर चला जाता है OH आ जाता है, करा ना हमने इतने इसके क्वेश्चन इतने सारे। लेकिन अगर आपको एल्कोहलिक क्यूएच दिया हो, कौन सा एल्कोहलिक, एल्कोहलिक क्यूएच, तो आपने एलिमिनेशन करनी है, मतलब Cl भी बाहर निकाल दो और ये वाला H बाहर निकाल के एल्कीन बना देना आपने, ये रीजेंट याद रखना, क्वेश्चन में आएगा रीजेंट, नहीं पता प्रोडक्ट गलत बना दोगे, पता चला एल्कोहलिक क्यूएच दिया था और आपने यहाँ पे कुछ और ही लगा के O2 CH2 को ही लगा दिया, Cl माइनस बाहर करके आपने दिमाग लगा दिया ज्यादा ही कुछ, Cl माइनस बाहर कर दिया, अब यहाँ अटैक मरा के ये बना दिया, वो बनेगा लेकिन वो माइनर होता है, ठीक है ना, मेजर ये होता है एलिमिनेशन वाला, समझ में ही बात है। रीजेंट के नाम याद रखो, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करता है, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है, वो क्यों करता है वो बताया गया, ठीक है ना। देखो इन एक्वस KOH सॉल्यूशंस क्या प्रेजेंट होते हैं, OH माइनस आयन प्रेजेंट होते हैं, OH माइनस आयन होते हैं, एक्वस KOH में OH माइनस ही होगा ना, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल पता हम किसको बोलते हैं, जो कार्बन के साथ जाके जुड़ता है उसको हम न्यूक्लियोफाइल, देखो बेस और न्यूक्लियोफाइल ऑलमोस्ट सिमिलर से होते हैं, जैसे जो मॉलिक्यूल बेस की तरह काम कर सकता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, जिसको न्यूक्लियस चाहिए, जिसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, जिसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे ना, वो उसको डोनेट कर देगा, तो वो न्यूक्लियोफाइल होता है। बेस क्या होता है, जिसको एच प्लस चाहिए, तो जैसे ये है C2H5O नेगेटिव, इथोक्साइड आयन है, इसको एच प्लस चाहिए, तो एच प्लस को ये जब कैसे लेगा, अपना लोन पे डोनेट करेगा तब तो इसको एच प्लस मिलेगा, बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही लोन पे डोनेट करते हैं, फर्क क्या है, बेस अपना लोन पेयर देगा एच प्लस को, न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर देगा किसी कार्बन को, कार्बोकेटायन को, ये फर्क होता है, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो मॉलिक्यूल के साथ जाके अटैच हो जाता है, समझ में आई बात। जैसे ये है पूरा मॉलिक्यूल, ओ एच न्यूक्लियोफाइल है, तो वो यहीं अटैच हो गया जाके, यहीं घर बसा लिया उसने मॉलिक्यूल के साथ, बेस क्या करता है एच प्लस लेके बाहर चला जाता है, अपना एच प्लस पकड़ा, और ये बेस है एल्कोहलिक क्यूएच में कौन है, C2H5O नेगेटिव, वो यहां से एच प्लस पकड़ेगा और बाहर, मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं है उसको, समझ में ही बात है, ये फर्क होता है न्यूक्लियोफाइल और बेस में, सिंपल बात है, OH नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इथोक्साइड आयन एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इतनी सी बात है बस, तो OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से सब्स्टिट्यूशन करता है, Cl माइनस को उठा के यहां लग जाता है, इथोक्साइड आयन एल्कोक्साइड आयन ये स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से एच प्लस को लेके बाहर चला जाता है, ये आंसर है इसका। अब इसको लिखना कैसे देखते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो एच नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टू अकर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं, इसलिए ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विद एक्वस KOH लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल वाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहां से Cl माइनस गया OH माइनस आ गया, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई, क्लियर होगी बात है। इन एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH में देखो क्या होगा, पहले ये देखो एल्कोहल क्या होती है, C2H5 OH एल्कोहल होती है, प्लस KOH
ये बन जाएगा C2H5O नेगेटिव K पॉजिटिव प्लस वाटर। ये इसका H इसका OH मिलके वाटर बना देंगे, ये C2H5O नेगेटिव और K पॉजिटिव, समझ में आई बात है। ये सारे इक्विलिब्रियम में होंगे, ये सारा कुछ ही अवेलेबल होगा। ये जो है ये क्या है, स्ट्रांग बेस है, इथॉक्साइड आयन बोलते हैं इसको। ओके तो एल्कोहलिक क्यूएच में एल्कोहल होता है, KH होता है, जो कि रिएक्ट करके ये बनाता है इथॉक्साइड आयन। ये यहाँ पे रिजेंट के तौर पे अटैक मारता है। इन एल्कोहलिक क्यूएच एल्कोक्साइड आयन C2H5 को मैंने यहाँ पे R लिखा है जनरल, क्योंकि उसने इथेनॉल तो नहीं बोला ना, मिथेनॉल भी हो सकता है भाई तो, और ज्यादातर इथेनॉल होता है, तो जनरल R लिखा है। RO नेगेटिव एल्कोक्साइड आयन आर प्रेजेंट, जो कि क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस करवाते हैं, इसलिए ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स विद एल्कोहलिक क्यूएच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स वाया एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेशन कराएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस H+ को पकड़ेगा और H+ को पकड़ के बाहर कर देगा, तो एलिमिनेशन ही हो गई ना। क्लियर?